ये हमारा सेंटर, देखो इस बेकार एरिया में दे रह गया बिल्कुल सेंटर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, बेकार सा रोड है। जीके बाय ज्योतिका में आप सबका स्वागत है। स्वागत है। तो आज ज्योति मैडम इधर खड़े होकर बताओ, कुछ कुछ खूबसूरत बताओ। पानी जैसे दाने हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ। कोई बस बस बस, अच्छा 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 भाई, इसको हो रहा चिकन पॉक्स हो गया, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं माता निकलना। अच्छा बैठो बैठो बैठो, चुप। तो स्कूल नहीं गया, इसको माता निकल गई, पापा को थोड़ा सा आराम लगा तब ये बीमार हो गया। और ताऊ जी भी बीमार हो रहे थे, मैंने सोचा ताऊ जी के पास चलती हूँ, उनका डेरा भी ले लूंगी साथ साथ, और मैं यहाँ स्टे भी कर लूंगी भाभी जी के पास, काफी दिन हो गए इनको, मैं जब भी आती हूँ ये अपने घर जाए मिलती है। कितनी झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है ये, कभी फोन नहीं करती मेरे पास और मुझसे ये उम्मीद करती है कि मैं रोज करूंगी। बिजी पर्सन है ये बहुत ज्यादा, पता है क्या जो इसमें उस अपार्ट होना ना दिल्ली करती है, ठीक है कैसे आता है ना बस, तो और बोल कुछ। और फ्रेंड्स, मैंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तैयारी की थी 10 से 15 दिन, क्योंकि पहले सीईटी का पेपर था, और कुछ फ्रेंड्स भी थे जो मैंने परचेज कर रखा था पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बैच सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल से, उनमें थे कई बच्चे जो बोल रहे थे वहीं आया बुधपुर में हमारे भी एग्जाम, प्लीज अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बताइए अपना उनका पेपर कैसा हुआ है। मैं उनसे कल बात नहीं कर पाई, मैंने ढूंढा उनको बट वो मिले नहीं वहाँ पर, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बताना कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं हुआ। और मेरा पेपर लगभग ठीक ही गया, क्योंकि इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैम का परचेज कर रखा था बैच मैंने, सोनिया अरोड़ा मैम जो पंजाबी पंजाब से हैं और पंजाबी लैंग्वेज भी करती हैं और साथ साथ इंग्लिश में भी, तो मेरी इंग्लिश अच्छी गई है। और जी एस की जैसे मैंने नोट्स परचेज किए थे सर से, ठीक ही गया पेपर, बाकी रिजल्ट बताया क्योंकि अब की बार फर्स्ट बार कंप्यूटर पर डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो थोड़ा सा डरी हुई थी मैं कि मेरे से लिखा जाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने घर पे कंप्यूटर तो है पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं अभी लेके आई हूँ, तो लगभग मेरा डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं अभी क्या आंसर की आएगी, एक दो दिन में कैसा कुछ होता है, अब भाभी बताएंगी कुछ। अच्छा मेरी बारी आ गई क्या? तो फ्रेंड्स बस यही है, अभी हम मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी देर में अभी चली जाएगी और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो गांव में भी है, और भी 2-3 शादियां हैं जहाँ पे हम जाके व्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। जो लोग नए हैं वे मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि वे सब्सक्राइब कर देते हैं दोबारा सब्सक्राइब करवा देते हैं, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है गाइस? अब मैं जाऊंगी घर पे बहादुरगढ़ से बेलवाई बस में, और अभी हमें ज्योति एक डांस भी करके दिखाने वाली है। नहीं गाइस मुझे डांस वगैरह नहीं आता है, भाभी को ही आता है डांस वगैरह, वो देख मेरा देख चुके ऑलरेडी, और मैं आपसे चैनल पे ना मेरे पे नहीं है ना। तो गाइस अगला ब्लॉग